बाला साहब हुआ शुभारंभ। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद द्वारा कोरडा में बाला साहब देश पांडे स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का किया जा रहा आयोजन। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश संगठन मंत्री विजय कुमार, प्रदेश मंत्री सुंदरलाल कटारिया ने बाला साहब देश पांडे के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित के साथ ही 15 दिवसीय देश पांडे फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में सुरेश कुमार खेर, चिकित्सा आयाम प्रमुख, विशिष्ट अतिथि हिम्मतलाल तावड़, हितरक्षा मंच कोटड़ा, प्रदेश सह मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जिला संगठन मंत्री हीरालाल मोड़िया व निर्णायक के रूप में सुरेंद्र सिंह खराड़ी, संजय खैर, रामलाल, प्रवीण कुमार ग्रास्य उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता ने खिलाड़ियों को खेल को खेल की भावना से खेलने का दिया संदेश। प्रतियोगिता में कोटड़ा क्षेत्र की 24 टीमें ले रही भाग। उद्घाटन मैच में ढेडमारिया ए व बागावत के बीच हुआ मैच, जिसमें ढेडमारिया ए 3-0 से रही विजय। दूसरा मैच धनमता व कंडी के बीच हुआ, जिसमें धनमता 1-0 से विजय हुई। तीसरा मैच वनवासी कल्याण आश्रम व बाली के बीच हुआ, जिसमें आश्रम पेनल्टी शूट 4-1 से विजय रही। कुटड़ा के वनवासी कल्याण आश्रम के ग्राउंड में 15 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता किया जा रहा आयोजन, जिसमें 24 टीमें ले रही भाग। और बहुत ही अच्छा शॉट और ये गोल। हाँ ठीक है, डेढ़ मारिए ना पहला गोल। क्या करना है? हाफ टाइम से पहले टाइम में ही एक गोल की बढ़त लेते हुए डेढ़ मारिया के खिलाड़ी इनाम जीत गया ना। हाँ, यहाँ डेढ़ मारिया के टीम को सरपंच साहब कपूर सिंह की तरफ से 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अभी तो हर सरपंच हर पंचायत की तरफ से आएंगे और वार्ड सरपंच भी आएंगे। यहाँ निर्मल जी की तो टीम ही नहीं है, वो सरपंच साहब है, लेकिन किसी किसी को तो टीम को इनाम देंगे 500 रुपए। पादरपाड़ी के सरपंच साहब ने परवीन जी की तरफ से फिर मारिया को बहुत ही अच्छा मौका है फिर मारिया द्वारा। बॉल को घुमा दिया वहां खेड़ मारिया के पल्ले में बॉल, बहुत ही अच्छा मौका है। शूट करना चाहते लेकिन शूट सही हुआ ही नहीं। और अभी भी खेड़ मारिया के पल्ले में बॉल, बहुत ही अच्छा पास। बहुत ही अच्छा घुमा दिया वहां, कोई खिलाड़ी नहीं, बागावत के खिलाड़ी है। खेड़ मारिया के खिलाड़ी अगर सेंटर में होता तो गोल हो सकता था। बहुत ही अच्छा पास दबाव डालते हुए और ये बचू के वहां और आउट आउट फेंकेंगे डेढ़ मंजिला के खिलाड़ी। बहुत ही अच्छा बॉल को घुमा दिया है वहां लेकिन आउट, बैक शूट मिलेगा बागावत को। ये उद्घाटन मैच बागावत वर्सेस डेढ़ मंजिला के बीच खेला जा रहा है और पहला टाइम में एक बॉल की बढ़त ले चुकी है डेढ़ मंजिला के खिलाड़ी और इनके टीमों के सरपंच साहबों ने 500 रुपए का इनाम रखा है। बहुत ही अच्छे बॉल वहां, बहुत ही चौकन्नी है वहां बैट द्वारा डेढ़ मंजिला के द्वारा और बॉल को घुमा दिया वहां, कोई खिलाड़ी सेंटर में नहीं और बॉल जा रही है लाइन के करीब। बॉल को बागावत के टीम के बॉल को घुमा दिया है, बहुत ही अच्छा मौका है लेकिन वहां बागावत के खिलाड़ियों ने बॉल को निकाल दिया है। जा रही है लाइन की करीब, बहुत ही अच्छा पास, मौका है डेढ़ मारिया के लिए। बॉल को घुमा दिया है लेकिन चूके वहां मिस हुए। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद कोटड़ा में सन 2003 से बाला साहब देश पांडे की स्मृति में फुटबॉल प्रतियोगिता करती आ रही है। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में इस क्षेत्र के लगभग 25 से 30 टीमें फुटबॉल खेलने के लिए यहां पर एकत्र आती है। केवल खिलाड़ी नहीं तो इस क्षेत्र का ये एक पहचान बना हुआ फुटबॉल प्रतियोगिता
अनेकों गणमान्य नागरिक, जनता, जनार्दन, महिला पुरुष सब इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आते हैं और उस समय का ये उत्साह चरम पर रहता है। फुटबॉल के प्रति इस क्षेत्र का जो रुझान है, इसको ध्यान में रखते हुए वनवासी कल्याण परिषद ने इसको प्रतियोगिता को प्रारंभ किया और एक अच्छे खिलाड़ियों का चयन करके ये आगे देश के लिए खेलने के लिए जाए ऐसा भाव लेकर और इन सब खिलाड़ियों के मन में देशभक्ति का भाव, राष्ट्रभक्ति का भाव जागरण हो, इस उद्देश्य को लेकर वनवासी कल्याण परिषद ये प्रतियोगिता कर रही है। और इस प्रतियोगिता को देखकर मैं सोचता हूँ कि खेल के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यहाँ कर आकर इसको देखना चाहिए और यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए।